वो जब भी बोलेंगे जहर उगलेंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करेंगे। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते। कोई देश की बर्बादी की बात करता है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुने। कोई देश के खिलाफ लोगों को भड़काता है। एनआरसी प्लस सीएबी इज अ लीथल गन। और कोई आतंकियों का हमदर्द है। जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। इनकी जुबां पर होते हैं नफरत के बोल, जहरीली जुबां से देश जलाने की है फितरत। हर गली मोहल्ले में। लेकिन अब नफरत के इन सौदागरों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। अब होंगे हर वो चेहरे बेनकाब जो खड़े हैं देश के खिलाफ। अब गद्दारों के खिलाफ खड़ा होगा पूरा देश। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज बात उन लोगों की करेंगे जो खाते तो हिंदुस्तान का हैं, रहते भी हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जब भी उनकी जबान खुलती है तो देश के खिलाफ नफरत ही उगलते हैं, देश को तोड़ने और बर्बाद करने की बात करते हैं। देश में ऐसे कई लोग हैं जिनकी रगों में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत दौड़ती है। इन्हीं में उमर खालिद और कन्हैया कुमार के साथ साथ नया नाम शामिल हुआ है, गोरखपुर के डॉक्टर कफील का। जहरीली जुबान वाला डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। डॉक्टर कफील ने दिया था जहरीला बयान। एनआरसी प्लस सीएबी इज अ लीथल गन। जो जहरीली जुबान बोलेगा कीमत चुकाएगा। गोरखपुर का विवादी डॉक्टर कफील सरकार को यही जहरीला चैलेंज देकर गायब हो गया था, लेकिन आखिरकार ये मुंबई में धरा गया। जोश जोश में इसने सरकार और प्रशासन को चुनौती दी, लेकिन ये भूल गया कि मुल्क में बोलने की आजादी है, जहर थूकने की नहीं। लेकिन देश में इन दिनों देश विरोधी बयान देने की एक होड़ सी मची हुई है और जहर उगलने वालों के इस काफिले का हिस्सा है डॉक्टर कफील। दिसंबर में जो है उन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान जो एमएमए चल रहे थे उसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया था डॉक्टर कफील के विरुद्ध, और मुंबई में जो उनकी गिरफ्तारी हुई है तो यहां से एक टीम रवाना की गई जो ट्रांजिट रिमांड लेकर अग्रिम कार्रवाई करेगी। क्या उम्मीद है सर, कब तक आ पाएगी ये? ये ट्रांजिट रिमांड के लिए टीम भेजी गई है और उन्हें अग्रतम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। कफील ने वही रास्ता पकड़ा है जिस पर जेएनयू का विवादित छात्र उमर खालिद लंबे वक्त से चल रहा है। वही जेएनयू जहां से कभी टुकड़े टुकड़े होने की आवाज आती है तो कभी आजादी की। आज दिल्ली के अंदर का नाम नहीं है, भारत के हर कोने में एक शाहीनबाग है। ये ख्वाब है उमर खालिद का, वही उमर खालिद जिसने देश के खिलाफ जहर उगलकर अपनी पहचान बनाई है। हर गली मोहल्ले में शाहीनबाग। ये वही उमर खालिद है, नफरत का बीज बोकर अपना स्वार्थ साधने की फिराक में रहता है। ना ये चेहरा नया है, ना ही इसकी सोच नई है। हाँ, इस बार जुबान से फूटते बोल जरूर नए हैं। देश के टुकड़े करने का ख्वाब संजोने वाले उमर खालिद का दिमाग नफरत की फैक्ट्री की तरह काम करता है। जब भी इसे मंच मिलता है ये जहर उगलता है। ताज़ा वीडियो मुंबई का है। मुंबई के नागपाड़ा में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में इसे बोलने का मौका क्या मिला, इसने सीधा चुनौती दे दी देश की व्यवस्था को। आज दिल्ली के अंदर एक इलाके का नाम नहीं है, भारत के हर कोने में एक शाहीनबाग है। रोज एक शाहीनबाग खड़ा हो रहा है और तुम कितने शाहीनबाग उजाड़ोगे, हर गली मोहल्ले में एक शाहीनबाग खड़ा हो रहा है। खुलेआम देश के खिलाफ बयान देना उमर खालिद का शगल रहा है। शाहीनबाग को इन जैसे लोगों ने देश विरोध का प्रतीक बना दिया है। उसी शाहीनबाग के नाम पर उमर खालिद जैसे लोग पूरे देश में खास कौम को भड़काने की कोशिश करते हैं। शाहीनबाग को मिसाल बनाकर पूरे देश को नफरत की आग में झोंकने की प्लानिंग करते हैं। हिम्मत देखिए कि खुलेआम मन से देश के गृह मंत्री तक के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने से ये नहीं चूकते। अगर तुम हमको वोट दोगे तो हम शाहीनबाग को उजाड़ देंगे। उस अमित शाह को बोलते हैं औकात में रहो। उमर खालिद वही शख्स है जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने पर चर्चा में आया था। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, लेकिन अब भी ये रत्ती भर नहीं बदला है। ये अब भी मंच पर खड़े होकर लोगों को खुलेआम उकसाता है। और ये लंबी लड़ाई होने वाली है,
हमने भी अगर अपनी कमर कसनी है, जैसे आजादी की लड़ाई को कई साल कई दशक लगे थे लेकिन हिंदुस्तान की आवाम थकी नहीं थी, तो आप जितना लंबी लड़ाई लड़ना चाहे लड़िए, लेकिन हम देश को बचाने के लिए, देश की आजादी में हमने अपना खून पसीना बहाया था, देश को बचाने के लिए हम खून पसीना बहाए थे। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से पढ़ते लिखते और खाते पीते हैं, लेकिन देश के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे लोग ही अपने जहर बुझे बोल से माहौल खराब करते हैं, लेकिन नफरत फैलाने और अपने जहरीले जबान से देश का माहौल बिगाड़ने वाला उमर खालिद इकलौता शख्स नहीं है। ऐसे कई और चेहरे हैं जिनका काम देश के खिलाफ जहर उगलना ही है। टीम न्यूज नेशन। देश के खिलाफ कुछ लोगों में इतनी नफरत भरी है कि वो देश को टुकड़े होते देखना चाहते हैं, भारत के एक हिस्से को उससे अलग करने का मंसूबा रखते हैं और खुले मंच से इसका ऐलान भी करते हैं। इन्हीं में शर्जील इमाम का नाम शामिल है, जिसने अलीगढ़ में अपनी जहरीली जबान से देश के टुकड़े करने का मंसूबा जाहिर किया था और अब गिरफ्तारी के बाद वो कहता है कि वो भावनाओं में बहकर बोल गया था। देश को टुकड़ों में काटने का देशद्रोही बयान। अगर मुस्लिमों को बोले कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े होंगे तो हमदर्द नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलती जबान। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते। देश के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुने। मंच पर एक शख्स खड़ा है, उसके हाथ में माइक है और जैसे ही इसकी जबान खुलती है हिंदुस्तान के खिलाफ ये जहर उगलने लगता है। याद रखें कि अगर आवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना, हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करना। इस वीडियो से बेनकाब हुआ एक और चेहरा, वो चेहरा जो देशद्रोह की बातें करता है, देश के हिस्सों को काटने के लिए लोगों को भड़काता है। नाम है शर्जील इमाम। शर्जील इमाम भीड़ के बीच खड़ा होता है और सीधे सीधे देश के पूर्वोत्तर को काटने का नापाक प्लान बयां करता है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुने। ना तो शर्जील इमाम और ना इसे सुनने वालों को शर्माती है। कैसे ये लोग सरेआम देश को बांटने का दम भर रहे हैं। जिस मिट्टी में शर्जील या इस उन्मादी भीड़ में शामिल लोगों के पुरखे पैदा हुए, पले बढ़े और यही खाक में मिल गए, उसी हिंदुस्तान के हिस्सों को अलग थलग करने के नापाक इरादे इनके जहन में हैं। लेकिन इसके इरादे इससे ज्यादा खौफनाक हैं। फौज का रास्ता रोकने का खुला ऐलान। शर्जील इमाम नाम का ये भड़काऊ भाईजान सिर्फ असम पूर्वोत्तर पर ही नहीं रुकता, आगे बढ़ता है और साफ कहता है कि फौज का रास्ता रोक दो। देश की आवाम को देश की फौज के खिलाफ भड़काता है। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। शर्जील की जहरीली जुबान देश के खिलाफ बोलती गई, अपने अंदर के जहर को गद्दारी का जामा पहनाई जा रही थी, लोग सुन रहे थे। इसने देश के खिलाफ ये जहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उगला। इसने एएमयू में जो कुछ किया उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएए और एनआरसी के विरोध की आड़ में कुछ लोग अपना नापाक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन इनका एजेंडा कामयाब नहीं होगा। शर्जील का बयान देखिए, वीडियो देखिए, देख रहे हैं ना, कन्हैया कुमार से भी ज्यादा खतरनाक बोले। चिकन नेट को काट दो, असम भारत से कट जाएगा। अरे सात पूछते लग जाएगी भैया, असम ऐसे नहीं कटेगा। आज दिल्ली पुलिस ने उनको धर लिया है और आज जेल की हवा खाने के लिए उनको दिल्ली ला रहे। देश के हिस्से अलग करने की बात हो, हिंदुस्तानी फौज का रास्ता रोकने का दम भरा जाए, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं कबूल सकता। देश के खिलाफ जहर उगलने वाले शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इनके अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस बिहार आई थी, उन्होंने बिहार पुलिस से कोऑपरेशन एक्सटेंड किया और हमने जो है उनको कोऑपरेशन प्रदान किया। इसी के तहत आज जहानाबाद जिला अंतर्गत काको थाना क्षेत्र में शर्जील इमाम की गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई अभी जो है की जा रही है। देश विरोधी गतिविधियों में शर्जील पहले से शामिल रहा है। जब शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हुए थे तब इन प्रदर्शनों का आयोजन करने वालों में एक नाम शर्जील इमाम का भी था। शर्जील इमाम प्रदर्शनों को लामबंद करने वालों में से एक था।
हालांकि अब देश के खिलाफ जहर उगलने वाला और नफरत फैलाने वाला शर्जील इमाम कानून की गिरफ्त में है। शर्जील फिलहाल 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। अब शर्जील का अंजाम वही होगा जो एक देशद्रोही का होता है। टीम न्यूज नेशन। इन जहरीली जबान वालों को समझना होगा कि अगर इस देश का संविधान उन्हें बोलने की आजादी देता है तो उन पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वो देश के कानून की इज्जत भी करें। इन लोगों की असल समस्या यही है कि इन्हें कानून से मिली आजादी तो चाहिए लेकिन जिम्मेदारी से बोलने को ये बिल्कुल तैयार नहीं। कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात होते हैं लेकिन कभी नहीं चाहते हैं कि अपना मुल्क को बचाने के लिए हमने लड़ा है, अपने गले को कटवाया है इस मुल्क को, तो हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। सुना आपने इसके इरादे कितने खौफनाक है। देश को बर्बाद करने की बात कह रहा है। ये कोई अनपढ़ या गंवार नहीं है जिसे कानून और देश के संविधान की समझ न हो, बल्कि ये पढ़ा लिखा शख्स है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है लेकिन हिंदुस्तान को लेकर इसके इरादे नेक नहीं है। तभी तो एएमयू में हुए एक कार्यक्रम में जब इसे मंच मिला तो इसने अपने इरादे जाहिर कर दिए। सुनिए कैसे देश को बर्बाद करने की ये बात कह रहा है। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात होते हैं लेकिन कभी नहीं चाहते हैं कि अपना मुल्क को बचाने के लिए हमने लड़ा है, अपने गले को कटवाया है इस मुल्क को, तो हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। बात 24 जनवरी की है। एएमयू में फैजुल हसन धरने में आए छात्रों को संबोधित कर रहा था। इसी दौरान फैजुल ने नफरत भरा बयान दिया। हालांकि इस बयान की हर तरफ आलोचना हुई। नफरती बयान पर सवाल उठे। ऐसे लोग अपनी जहरीली जबान से नफरत फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अपने काले मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया है कि मैं वो हालात कर दूंगा कि 7 पुश्तें आपकी जो है परेशान हो जाएंगी, कि जो लोग सीएनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए और यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया, तो सब्र की अगर सीमा अगर सबसे ज्यादा देखना है, सब्र देखना है दुनिया में कहीं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। देश को तोड़ने की बात करने वाले फैजुल हसन जैसे लोग जान ले कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं कि चंद लोग नफरत की आग फैलाकर उसे बर्बाद कर सके। टीम न्यूज नेशन। खुले मंच से भड़काऊ भाषण देने वालों में आफरीन फातिमा का नाम भी शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक पर भरोसा नहीं बल्कि उसे संसद पर आतंकी हमले का गुनहगार अफजल गुरु बेगुना लगता है। ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जो देश के खिलाफ न सिर्फ भाषण देते हैं बल्कि माहौल भी खराब कर रहे हैं। खूंखार आतंकियों की सबसे बड़ी हमदर्द। वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते हैं। हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। उनके जहर में देश के लिए जहर भरा है। आतंकियों से हमदर्दी और देश के खिलाफ नफरत उगलता ये वीडियो 22 जनवरी 2020 का है, जब प्रयागराज के रोशन बाग में जेएनयू की छात्रा आफरीन फातिमा ने माइक हाथ में लेकर नफरती बयान दिया था। देश की कानून व्यवस्था संविधान पर आपत्तिजनक लफ्ज कहे, संसद पर आतंकी हमले के गुनहगार अफजल गुरु के प्रति हमदर्दी दिखाई थी। सुनिए कैसे देश की सर्वोच्च अदालत से मौत की सजा पाया आतंकी अफजल गुरु, इसे बेगुनाह लगता है। हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव कॉन्शियस के लिए अफजल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। एक आतंकी से हमदर्दी और देश की सर्वोच्च अदालत को लेकर दिए बयान के बाद आफरीन का ये वीडियो वायरल हो गया। आफरीन के बयान पर कार्रवाई की मांग उठी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आफरीन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
लेकिन इस तरह के नफरती और भड़काऊ बयान देश का माहौल खराब करते हैं और यही इन लोगों का मकसद होता है। टीम न्यूज नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।